हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मैं प्रतीक एजुकेशन। फ्रेंड्स, हमारे से होटल मैनेजमेंट सिस्टम की टोटल सी चल रही है एंगुलर एट एंड लालावेल का सोचते हुए, तो आइए से आगे हम कंटिन्यू करते हैं। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में इसके हेडर एंड फुटर सेक्शन पे, जो हेडर में हमने यहाँ पर नेविगेशन बना है, इनके हमने राउटिंग की थी। हम जब इन पे क्लिक कर रहे हैं तो देखिए, इनके कंपोनेंट हमने यहाँ पर लिंक कर चुके थे। सभी कंपोनेंट की ग्लोबल हेडर में इसके हम लिंक कर चुके थे। तो आज के इस वीडियो में हम फुटर सेक्शन पर वर्क करेंगे, जिसमें हमने यहाँ पर जो थर्ड सेक्शन है हमारा फुटर का, इसमें सोशल लिंक का आइकॉन लगाने, हमने यहाँ पर लिंक का आइकॉन नहीं लगाया। तो आज हम यहाँ पर सोशल लिंक का आइकॉन लगाएंगे। हमने इसे स्किप इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पर कुछ लाइब्रेरी भी हमें यूज़ करना होगी इस प्रोजेक्ट के अंदर। फॉन्ट ऑसम की हम लाइब्रेरी यूज़ करेंगे फॉन्ट के लिए। तो सबसे पहले हम फॉन्ट ऑसम लाइब्रेरी को इसमें इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद हम उसे यूज़ करेंगे, इसलिए हमने इस वीडियो को यहाँ पर आज स्किप करके आज कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले लाइब्रेरी करना है, तो इसकी लाइब्रेरी डाउनलोड करने के लिए आप फोन टसम के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, या अगर आप मेरी वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो आपको मेरी वेबसाइट से भी लिंक मिलेगी। आप मेरी वेबसाइट पर जाएंगे और मेरी वेबसाइट विजिट करने के बाद आप जब इसे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ लेफ्ट साइड पर स्क्रॉल करने पर यहाँ पर मिलेगा ये वाला सोशल लिंक इन एंगुलर एट। इस पर जब आप क्लिक करेंगे देन यहाँ पर आप क्लिक करके फाउंडेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। ये देखिए, फाउंडेशन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यहाँ से आप फाउंडेशन की लाइब्रेरी डाउनलोड कर लें। यहाँ से आप जब फाउंडेशन की लाइब्रेरी डाउनलोड करेंगे तो आपको एक जिप फाइल मिलती है, कुछ इस तरह की जिप फाइल होगी। आप उसे एक्सट्रैक्ट करें, मैं इसे यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही हम इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इसके अंदर आपको कुछ फोल्डर्स मिलेंगे। ये फोल्डर्स है, तो आप इन फोल्डर्स को कॉपी करें और अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में लें। तो हम चलते हैं, हमारे ये हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर है। देन इसके अंदर हम जाएंगे एसआरजी फोल्डर के अंदर, देन एसेट्स के अंदर यहाँ पर हम फोल्डर बनाएंगे फॉन्ट नाम से, और इसके अंदर हम इसे करते हैं पेस्ट। अब हमें इसके अंदर सीएसएस के अंदर एक फॉन्ट ऑसम मेन डॉट सीएसएस फाइल मिलती है, इसे हमें लिंक करना होगा हमारी एंगुलर डॉट जेसन फाइल में। तो हम उसे लिंक करते हैं, तो ओपन करते हैं हमारी एंगुलर डॉट जेसन फाइल। हम इसे करते हैं स्क्रॉल, देन एंगुलर डॉट जेसन फाइल है हमारी। स्क्रॉल करने पर ये हमारी एंगुलर डॉट जेसन फाइल है। इसके हमें स्टाइल सेक्शन पर जाना होगा। जब इसके स्टाइल सेक्शन पर जाएंगे तो ये स्टाइल सेक्शन, और स्टाइल सेक्शन पर हम यहाँ पे इसे लिंक करेंगे। लिंक करने का तरीका आप मेरी वेबसाइट पर देख सकते हैं, ये इस तरीके से हम इसे लिंक करेंगे। तो हम इसे करते हैं कॉपी, देन कॉपी करें और ऐसे डी से पेस्ट करें, क्योंकि हमने फोन फोल्डर के अंदर ही दिया एसेट्स में। तो हम इसे करेंगे पेस्ट, देन अगेन सेव, और हमने एंगुलर डॉट जेएसएन में चेंजेस करे हैं तो हमें अगेन हमारा प्रोजेक्ट सर्व करना होगा। तो हम इसे करते हैं टर्मिनेट प्रोजेक्ट को, देन अगेन करते हैं एनजी सर्व करते से हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अगेन रन होगा। जब तक हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है तब तक हम हमारे सोशल आइकॉन बनाते हैं। तो सोशल आइकॉन बनाने के लिए आप फाउंडेशन की वेबसाइट पर जाएं। यहाँ पर आप जब आइकॉन सेक्शन पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर सारे आइकॉन मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर सर्च करना है, तो हम वन बाय वन यहाँ से ही आइकॉन सर्च करेंगे और इन्हें यूज़ करेंगे। तो आप देखिए, यहाँ पर सारे आइकॉन हमें मिल रहे हैं। अगर हम सर्च करें यहाँ से, तो हम सर्च करते हैं फेसबुक, तो ये देखिए फेसबुक के जितने भी टाइप के आइकॉन हैं वो सब आ चुके हैं। तीन टाइप के फेसबुक के आइकॉन हैं, तो हमें तीन टाइप के आइकॉन मिल रहे हैं। तो हमें जो भी चाहिए हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम ये डिज़ाइन करते हैं और फिर से बनाएंगे। तो हम चलते हैं हमारी ऐप कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल फाइल पर, और ऐप कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल फाइल पर आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तब आपको यहाँ पर सी वाला जो हमारा डीव है ये ब्लैंक दिखेगा। तो हम इसे पहले रन करा के चेक करते हैं। हमारा प्रोजेक्ट अभी सर्व हो रहा है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं एच टू के अंदर सोशल सोशल लिंक सेक्शन, देन इसे करते हैं सेव। और हमारा जैसे ही प्रोजेक्ट रन होगा तो हम इसे देखेंगे। देन हमारे प्रोजेक्ट का कंपाइलेशन स्टार्ट हो चुका है, 0% पे अभी है। इस तरह से ये देखिए 10% हो चुका है, बिल्डिंग स्टार्ट हो चुकी है इसकी, क्योंकि हर बार प्रोजेक्ट की बिल्ड बनानी होती है। जब भी आप कुछ इसमें लाइब्रेरी कुछ भी इंक्लूड करते हैं उसके बाद ही वो वर्क करती है। और बिल्ड बनने के बाद सक्सेसफुली कंपाइल लिखा आएगा और हम उसके बाद उसे यूज़ कर पाएंगे। तो
और 50% हो चुका है। देन ये देखिए कंपाइल सक्सेसफुली। अगेन हम इसे करते हैं रिलोड यहाँ पर, तो इसे करते हैं हम रिलोड। तो यहाँ पर आप देखिए सोशल लिंक का एक सेक्शन जो यहाँ पर लिखा आ रहा है, जो हमने हमारे इस फाइल के अंदर लिखा था, अगर हम इसे हटा दें तो वहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा। हम इसे सेव करते हैं तो देखिए पेज लोड होगा और यहाँ पर अब कुछ भी नहीं है। तो अब हमें यहाँ पर सोशल लिंक का आइकॉन लगाने हैं, तो यहाँ पर हम ड्यू बनाएंगे, ड्यू डॉट इसको हम देते हैं सोशल आइकॉन्स, इस पर आईडी रहेगी और इसके अंदर हम बनाएंगे आई टैग, हम रन टाइम पर ले लेंगे आइकन। देन इसे हमने जनरेट किया, हम इसे चाहिए हमें 4 आइकॉन, तो हम 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं। देन जनरेट करते हैं, तो देखिए हमें यहाँ पर 4 हमारे डी जनरेट हो चुके हैं। अब हमें इनके अंदर सोशल आइकन लेना है, तो सोशल आइकन लेने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे और फेसबुक के लिए हमें चाहिए, तो हम फेसबुक का ये पहला वाला लेते हैं, तो हम इसे करते हैं ओपन। देन इसे करेंगे कॉपी फेसबुक के लिए। देन हमारा जो फर्स्ट है इसमें हम पेस्ट करेंगे। इसी तरीके से हमें और भी चाहिए, तो हम यहाँ लिखेंगे गूगल प्लस। ये देखिए गूगल प्लस का ये वाला आइकन यूज़ होता ज़्यादातर, तो हम इस आइकन को लेंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये यहाँ पर आ रहा है, तो इसे करेंगे कॉपी और यहाँ पर लेंगे गूगल प्लस। देन हमें इसके बाद चाहिए ट्विटर का आइकॉन, तो हम लेंगे ट्विटर का आइकॉन, तो यहाँ लिखेंगे TWI ट्विटर, ये देखिए ट्विटर का आइकॉन, और इसे हम कॉपी करते हैं। देन यहाँ पर देंगे ट्विटर, इसके बाद आप कुछ भी दे सकते हैं। हम यहाँ पर एक और लिंक्डइन का आइकॉन दे देते हैं, तो लिखते हैं लिंक्डइन, तो ये देखिए IN वाला आइकन होता है लिंक्डइन का, तो इसे हम लिंक्डइन का आइकन यूज़ करेंगे। कॉपी देन पेस्ट दिस साइट, देन सेव करेंगे और अगेन हमारा पेज लोड होगा कंपाइल होने के बाद। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे सारे आइकॉन तो आ चुके हैं, लेकिन ये भी प्रॉपर यहाँ पर देखिए आपको विजिबल नहीं होंगे क्योंकि ब्लैक है। तो ये 2 जगह ट्विटर आ रहा है, तो हम क्वेश्चन इससे देखते हैं लिंक्डइन क्यों नहीं आया, तो दोनों जगह ट्विटर ही है, लेकिन मैंने लिंक्डइन यूज़ करा था तो पेस्ट नहीं हो पाया, तो हम इस जगह पर पेस्ट करते हैं लिंक्डइन। देन सेव करेंगे और अगेन यह चेक करते हैं, ये देखिए यहाँ पर IN आ चुका है। अब इसके बाद हमें इस पर सीसेस देना होगी, तो हम इसे करते हैं इंस्पेक्ट। देन ये हमारे लिंक्डइन का भी आइकन आ चुका है, अब हमें इसे स्टाइल देना है, तो स्टाइल देने के लिए हम पे स्टाइल देंगे, तो इसकी हमने एक क्लास दी है हमारे इस डीव को, तो इस डीव की क्लास का इस करते हुए हम इस पर सीएसएस लिखेंगे। तो इस क्लास को मैं कॉपी करता हूँ और इस क्लास पर हम देंगे सबसे पहले इसकी जो विड्थ होगी वो रखते हैं हम 50 पिक्सल। देन इसका फ्लोर जो रहेगा वो होगा लेफ्ट, तो ये सब एक लाइन में आ गए। इसके बाद इसका जो कलर होगा वो हम देंगे वाइट, और फॉन्ट साइज हम देते हैं इसकी 20 पिक्सल, और साइज इंक्रीज कर लेते हैं 30, और साथ ही साथ इस पर हम पेडिंग देंगे 10 px और इंक्रीज करते हैं, तो हमारी इतनी पेडिंग हो चुकी है। तो ये हमारे सारे आइकॉन यहाँ पर आ रहे हैं, तो हम इसे करते हैं कॉपी और सेव करेंगे हमारी app.css फाइल पर। तो ओपन करते हैं app.css फाइल, तो ये हमारी app.css फाइल है, यहाँ पर हम इसे करते हैं पेस्ट, देन सेव करेंगे। सेव करने के बाद हमारा ऑटोमेटिक पेज लोड होगा, तो ये देखिए यहाँ पर हमारे सोशल आइकॉन आ चुके हैं। अगर आप इस पे टॉप से इसकी स्पेस बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस पे स्पेस भी बढ़ा सकते हैं,
हमारी जो हमने क्लास में सी एस एस लिखी है वहाँ पर आप बता बढ़ा दें, यहाँ पर मार्जिन टॉप 20 पिक्सल और इंक्रीज कर सकते हैं आप, फोन साइज़ अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो और बढ़ा सकते हैं इसकी थोड़ी सी, ये इस तरीके से। देन 35 एंड 58 हम इसे सेव करते हैं, तो यहाँ पर 35 करेंगे, 35 और मार्जिन टॉप 58 पिक्सल, देन सेव करते हैं। अगेन पेज लोड होने के बाद ये देखिए हमारे सोशल आइकन आ चुके हैं, तो ये सारे हमारे सोशल आइकन विजिबल हैं, आप फोन से अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा सोशल आइकन का भी सेक्शन रेडी हो चुका है, इसके नेक्स्ट वीडियो से हम इसके होम पेज सेक्शन वर्क करेंगे जिस पर हमारा जो होम कंपोनेंट है उस पर हम इसका होम पेज डिज़ाइन करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी किसी वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।